प्रणाम साई। राम जी भला करे। बड़ी उम्मीद से मदद की आस लेके आया हूं आपके पास। कहो क्या मदद करूं? साई मैं उमा शंकर लोहार और ये मेरा बेटा प्रकाश। इसके पेट में कुछ दिनों से जलन सी है, बहुत बेचैन रहता है, ना ढंग से खा पी सकता है ना सो पाता है, रात भर डर से बिलबिलाता रहता है मेरा बेटा। ए लोहार, बेटे को ढंग से खिलाएगा नहीं तो उसकी यही हालत होनी है। जाओ और जाके मांस मच्छी खिलाओ इसको, तंदुरुस्त हो जाएगा। आओ। ये लो बेटा और इसे एक ही घूंट में पी जाओ। ओ, जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। अब कैसा लग रहा है? पेट की जलन शांत हो गई है, अभी कोई दर्द नहीं है। ओह, तो करिश्मा भी करता है तू। ए लोहार, लोहा पीटते पीटते तेरी अक्ल में पत्थर पड़ गया है, रोक। ये ले, इससे तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी, फिर सेहत से जुड़े मसले के लिए ऐसे भिखारियों के पास नहीं जाएगा। ले। बहुत बहुत धन्यवाद साई, अब आज्ञा दीजिए। राम जी भला करें। कमाल है साई, कमाल है। आज तक राख का ऐसा इस्तेमाल करते मैंने अपनी जिंदगी में किसी भी शख्स को नहीं देखा। मैं तो तुझे भिखारी समझ रहा था और तू तो। ए बुरु, जाके खाना बना। अरे जबुलानी, जाके तू कपड़े धो। अरे तू, मेरे पैर दबा, चल। सा
ए मुंडो, मसाला जरा बारीक पीस। अरे बोरो, शोरबा एकदम काढ़ा होना चाहिए। जी उस्ताद। ये सब क्या है साईं? ऐसे कैसे कोई भी तुम्हारी द्वारका माई में आकर रह सकता है? तुम इन्हें जाने के लिए क्यों नहीं कह रहे हो? बायजा मां, द्वारका माई तो सबकी है, इस पर सबका बराबर का अधिकार है। हाँ, पर तुम यहां पे ऐसे कैसे रह सकते हो? तुम्हें यहां रहने की जगह भी नहीं बची है। तो तुम इन्हें यहां से जाने के लिए नहीं कहोगे, है ना? ठीक है, तो जब तक ये लोग यहां रहेंगे तुम हमारे साथ चलो। तुम हमारे साथ रहोगे साईं। बायजमा, ये नहीं हो सकता। और मुझे इन लोगों से यहां पर कोई तकलीफ भी नहीं है। सच कहूं तो बहुत दिनों बाद मौका मिला है किसी के साथ ठहरने का, उसे जानने का। बहुत कुछ सीखूंगा इन लोगों से। इतनी बेरहमी से बच्चों को मार रहा था, इंसान ऐसा होता है क्या? एकदम भयानक। और कपड़े कैसे उसके? इनसे? हाँ हाँ भाई जमा, अगर इंसान चाहे तो सबसे कुछ ना कुछ तो सीख ही सकता है। तुम नहीं सुधरोगे साईं। लाख कष्ट हो तुम्हें, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं चलोगे। ठीक है, जब तुमने मन बना ही लिया है तो कोई उसे बदल नहीं सकता। कितना वक्त लगेगा अभी? बस थोड़ी देर और उस्ताद। मालूम होता है ये मटका नया है। ए फकीर, अब से ये मटका हमारा हुआ। और याद रखना, इसको छूने की गुस्ताखी मत करना। साथ साथ रहने के लिए एक दूसरे की सहायता करना भी तो जरूरी है। ए, जल्दी कर। बाहर खेलने जाऊं? माँ, आप सोच में क्यों पड़ गई? अध्यापक जी ने भी कहा है कि मुझे बाहर खेलने जाना चाहिए, और पिताजी ने भी अपनी सहमति दी हुई है। पता है मुझे केशव, लेकिन माँ, मैंने जो पिताजी से वादा किया है उसे निभाऊंगा। द्वारका मैं नहीं जाऊंगा, उनसे नहीं मिलूंगा। केशव,
मैं जानती हूं तुम वादा नहीं तोड़ोगे, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि तुम्हें साईं की फिक्र है। तुम साईं से बहुत प्यार करते हो। मैं तो ये सोच रही थी केशव कि तुम खुद को साईं से दूर कैसे रख पाओगे। अम्मा आप यहां बैठिए। अगर संयोग से भी मैंने उन्हें देख लिया या अचानक से वो मेरे सामने आ गए तो उस समय मैं ये याद करूंगा कि पिताजी ने आपको कैसे इस वाड़ा से बाहर निकालने की कोशिश की थी। यही बात मुझे शक्ति देगी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा माँ जिससे आपको दुख पहुंचे, आपके मान सम्मान पर आँच आए। केशव खाना तैयार है उस्ताद। तो देख क्या रहा है, परोस। आप लोग कुछ लेंगे? भीख में मिला हुआ खाना है, तू खा, मैं भीख नहीं लेता। राम जी भला करे। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे नहीं जाना है साई के पास। मुझे माफ कर देना चिपरी, उस दिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। उस दिन मैंने वैसा इसलिए किया क्योंकि इसी के बारे में फैसला लेने से पहले उसके साथ हमने जो अच्छे पल बिताए हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। उसने हमारे साथ जो भी अच्छा किया है उसे याद करना चाहिए। मैं जानती हूँ केशव तुमने ऐसा बर्ताव कभी भी किसी के साथ नहीं किया है। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई मजबूरी रही होगी तुम्हारी। अरे जिपरी तुम तो बिल्कुल साई की तरह बोल रही हो। उस दिन साई ने ऐसे ही कहा था। उन्होंने मेरा पक्ष लिया है, वो भी तब जब मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूं।
साई है, सबका दुख दर्द समझता है मेरा साई। चलो खेलते हैं। हाँ, चलो चलो खेलते हैं। काम करने का वक्त हो गया है मेरा, कोई भी शोर शराबा नहीं चाहिए। मैं जरा गांव घूम कर आऊं। मजा आ रहा है खुले में आकर, यहाँ मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता हूँ। उस्ताद और बाकी लोगों के साथ रहकर मुझे थोड़ी घुटन सी होती थी। गांव में मेरे दोस्तों के साथ ऐसे ही खेला करता था। ये तो उसी शैतान का चेला है ना? क्या मैं तुम लोगों के साथ खेल सकता हूँ? तुम्हारे उस्ताद ने मेरी पिटाई करने की कोशिश की, तुम्हारे साथी ने मुझे डराया, और तो और तुम लोगों ने मेरे साई की द्वारका मई में डेरा जमा लिया, और अब हमसे दोस्ती करना चाहते हो? कोई नहीं खेलेगा तुम्हारे साथ, चले जाओ यहाँ से। कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। Oh,
केशव, तुम मुझे नहीं भी पुकारोगे तो भी मैं तुम्हें हर संकट से बचाने आऊंगा। संयोग से भी मैंने उन्हें देख लिया या अचानक से वो मेरे सामने आ गए तो उस समय मैं ये याद करूंगा कि पिताजी ने आपको कैसे इस वाड़ा से बाहर निकालने की कोशिश की थी। यही बात मुझे शक्ति देगी। जिफरी, माफ कर दो मुझे। उस दिन मैंने तुम लोगों के साथ बदतमीजी इसलिए की क्योंकि मैंने पिताजी को वचन दिया था कि मैं कभी भी द्वारका मई नहीं जाऊंगा। मैंने मजबूर होकर पिताजी को वचन दिया है, नहीं तो वो आई को घर से निकाल देते। इसलिए मैं बात भी नहीं कर सकता हूँ। आप अपनी माँ के लिए मैं कोई भी त्याग करने के लिए तैयार हूँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.